हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर एकेडमी। दोस्तों, एक इंजीनियर्स की बड़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। गेट भी इसमें नहीं मांगा गया है। सैलरी 80,000 के आसपास आपको मिलेगी। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी सिविल में है और ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल और इसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर फाइनेंस में वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसीज जो है 18 वैकेंसी सिविल में है और इलेक्ट्रिकल में 16 वैकेंसी है और मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा 47 वैकेंसी है। 89 वैकेंसी टोटल है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है PWBD कैंडिडेट के लिए। इसमें भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ वैकेंसीज़ इसमें भी दी गई हैं, 9 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। और ये वैकेंसी जो निकली हैं NHPC लिमिटेड की तरफ से निकली हैं। NHPC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर है। और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWBD कैंडिडेट्स के लिए। NHPC लिमिटेड 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। शेड्यूल ए कंपनी है, इंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनी रत्ना का स्टेटस इसके पास है और 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स NHPC के हैं। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्रीज इसका जो है मेन उद्देश्य है। आगे हम आपको बताते हैं कि ट्रेनी इंजीनियर सिविल E2 लेवल पर यहाँ पर रखा जाएगा। E2 लेवल की जो सैलरी है 50,000 बेसिक पे है और ये जो 50,000 की बेसिक पे है ये आपकी करीब 80,000 जाके बनेगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिग्री होनी चाहिए BE BTEC या BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए सिविल डिसिप्लिन में, या फिर AMIE अगर आपने किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 30 इयर्स इसमें एज मांगी गई है, सभी में 30 इयर्स एज मांगी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब में 30 इयर्स एज मांगी गई है। इसमें जो BTEC आपका ये BE BTEC होना चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। मैकेनिकल डिसिप्लिन में क्या क्या आता है, मैकेनिकल आता है, प्रोडक्शन आता है, थर्मल आता है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी इसमें आती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में क्या क्या कवर होता है, कौन कौन सी डिसिप्लिन होती हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग है। तो इसमें अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं आपको। कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट्स, पावर स्टेशन, ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरी कंपनीज ऑफ NHPC इन वेरियस पार्ट्स आप दी कंट्री आर अबोर्ड। मतलब आप बाहर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, इंडिया के बाहर भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, बाहर जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे जो सैलरी जैसे हमने आपको बताया, ये आपका जो पैकेज आएगा 15 लाख का पैकेज आएगा, करीब एक साल का पैकेज जो है वो 15 लाख का आएगा। और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलती है जिसको PRP बोलते हैं, वो भी यहाँ पर मिलता है। आगे हम देख लेते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो दिया है ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो दिया है कि यहाँ पे आपका एक मेरिट बेस है, नॉर्मलाइज स्कोर जो आपका आउट ऑफ 100 होगा, वो आपका करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022 एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। ये वैकेंसी गेट के थ्रू है तो आपको गेट के थ्रू ही जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पे आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। यहाँ पे जो कैटेगरी दी गई है गेट में, कौन सी कैटेगरी आपकी होनी चाहिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे इसमें लिखा है रिजर्वेशन वगैरह के बारे में लिखा है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड लिखा है, 2.5 लाख का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो। और अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं तो उस स्टेप्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको अप्लाई करना आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है और 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है
वेबसाइट पर अवेलेबल है, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।